चलिए बढ़ते हैं आगे जनवरी में म्यूचुअल फंड को लेकर काफी शानदार रिस्पांस मिला है लेकिन आखिर किन सेक्टर में वेटेज बढ़ा है खास रिसर्च लेकर मौजूद हैं हमारी सहयोगी आशीषा आशीषा बताएं आखिर क्या कहती है आपकी रिसर्च जी हाँ कैलेंडर ईयर 2023 में 20% से ज़्यादा का रिटर्न देने के बाद इस साल का मार्केट का परफॉर्मेंस काफ़ी म्यूटेड रहा है ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो निफ्टी 50 के रिटर्न्स फ्लैट रहे हैं लेकिन एक पॉइंट जो निकल कर आता है वो फ्लोस है तो आउटफ्लोस की बात करें तो एफ आई आई थ्री बिलियन डॉलर्स के आसपास थे जनवरी के महीने के लेकिन डोमेस्टिक इनफ्लोस काफ़ी सॉलिड रहे हैं जनवरी में डोमेस्टिक इन्फ्लोस डी का 3.2 बिलियन का इन्फ्यूजन था जिसके चलते मार्केट का परफॉर्मेंस लार्जली म्यूटेड रहा सेक्टर वाइज देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने ऑयल एंड गैस हेल्थ केयर पी बैंक्स और टेलीकॉम ये चार सेक्टर्स में अपना वेटेज बढ़ाया और ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने प्राइवेट बैंक्स कंज्यूमर मेटल्स और मीडिया ये चार सेक्टर्स में अपना वेटेज घटाया अब चार टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात करते हैं और उन्होंने कौन से स्टॉक्स खरीदे और बेचे उसकी भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम एस म्यूचुअल फ़ंड की बात करेंगे तो उन्होंने टॉप चार बाइस की बात करें तो टिप्स इंडस्ट्रीज़ आवास फाइनेंसर्स और अशोका बिल्ड कौन ये स्टॉक्स में उन्होंने फ्रेश खरीदारी की और स्ट्राइक्स फार्मा अमी ऑर्गेनिक्स और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में उन्होंने फ्रेश बिकवाली की इसके अलावा दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आई सी आई सी प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड जहाँ उन्होंने बजाज फिंस वेदांता और प्री जैसे काउंटर्स में नए एडिशंस किए और साथ ही साथ साइंट डीएलएम, सन टीवी और के इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स से उन्होंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर ली तीसरे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे एच म्यूचुअल फंड जहां उन्होंने आदित्य अब्दुल्ला कैपिटल डीवीज लेबॉरेटरीज और पेज इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स में न्यू पोजीशंस लिए और जाइडस लाइफ साइंसेज और वेदा और वेदांता फ़ैशंस इन काउंटर से अपने पोजिशन घटा दिए चौथे म्यूचुअल फंड की बात करें तो निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड फ्रेश बाइस में सीजी पावर जिलेट इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ स्टॉक्स का नाम है और कंप्लीट एग्जिट के लिस्ट में पॉली टाटा कॉफी और आई इंडस्ट्रीज जैसे कुछ स्टॉक्स का नाम है बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए इधर बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार में लगातार चौथे दिन और हफ्ते कारोबार हफ्ते का आखिरी दिन जो था वो हरे निशान पे बाजार बंद होते नजर आए निफ्टी की बात करें तो यहां 130 अंकों की बढ़त देखी गई 22,000 के पार बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा बाजार में कैसी रही चाल और बाजार में आगे कैसा रह सकता है माहौल हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से समझते हैं निफ्टी बताए डिम्पी बताए कि आखिर बाजार की पूरी चाल यहां से क्या संकेत दे रही है आज मार्केट के अंदर आप एक टाइट रेंज के अंदर कामकाज हुआ क्या लेकिन अगले हफ्ते भी क्या टाइट रेंज में कामकाज होगा ऐसा नहीं है क्योंकि बाजार एक ऐसे मुआइने पर आके खड़ा हो गया है कि जहां पर मार्केट के अंदर एक स्विंग ऊपर नीचे का स्विंग जरूर देखने को मिल सकता है ऑल दो विक्स थोड़ा कम है लेकिन उसके बावजूद भी आप स्विंग के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के बेहद करीब है बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी है बैंक निफ्टी ने दो दिन हो गया जब वो चालीस के ऊपर क्लोज कर रहा है लेकिन चालीस को पार नहीं कर रहा एच धीरे धीरे करके उसकी हेल्प कर रहा है एफ ने गिरना बंद कर दिया तो एच की जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी के काम आएगी दो शेयर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अगले हफ्ते के लिए फर्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज वो तय करेगा कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है और कितना फास्टली ऊपर जाएगा दूसरा सेक्टर के हिसाब से ऑटोस ऑटो इस हफ्ते काफी हेल्प किया कि अगले हफ्ते भी ऑटो रिपीट करेगा अगर ये रिपीट करने जा रहा है तो ठीक तो है अगर आईटी अपनी बढ़त को रिपीट करने जा रहा है तो ठीक तो है नहीं तो अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर आ सकती है तो सेक्टोरली ऑटो एंड आई शेयर के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेटेज लेवल के हिसाब से निफ्टी को जब तक वो इक्कीस के ऊपर है वैसी कोई दिक्कत नहीं है पहला टारगेट 22,200 का बनेगा फिर उसके बाद हम नए लेवल्स पे जाएंगे तो जाएंगे फिलहाल टारगेट 22,200 का होगा आते हैं बैंक निफ्टी पे जैसे मैंने शुरुआत में कहा एच की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी वो बैंक निफ्टी को और बाजार की धुरी को तय करेगा इसके अलावा कुछ और निजी बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक जैसे कि कोटेक जैसे कि इंडेसन जैसे कि आई आई ये भी अपनी अपनी वेटेज

बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए बाजार पर यह खास विश्लेषण के लिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी खास खबरें जारी रहेंगी आप बने रहिए हमारे साथ